नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी राज्यों में चल रहे सियासी घमासान की। आज मथुरा और ग्रेटर नोएडा के दौरे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसे निकालेंगे बीजेपी की जीत की राह। बीजेपी के न्योते को आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने क्यों ठुकरा दिया। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए क्या बीजेपी का मेगा प्लान है। और यूपी चुनावों का हर दांव पेच समझने के लिए आज होगा टीवी 9 भारतवर्ष का सत्ता सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 यूपी का चुनावी युद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी यूपी में मथुरा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। शाह सुबह करीब 11 बजे वृंदावन पहुंचेंगे। गृह मंत्री इस दौरे की शुरुआत बांके बिहारी मंदिर के दर्शन से करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री श्री जी बाबा सरस्वती स्कूल में मतदाताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में ही शाह ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ वो डोर टू डोर कैंपेन करने के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने बीजेपी और जाटों के रिश्ते को 650 साल पुराना बताया। कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले जाट नेता जयंत चौधरी को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया। इस पर जयंत चौधरी ने निशाना साधते हुए किसान आंदोलन में मारे गए परिवारों को न्योता देने की बात कह दी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज से मोर्चा संभालेंगे। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर जिले के 3 विधानसभाओं से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वेस्ट यूपी के दूसरे जिलों में भी विपक्षी गठबंधन के लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बागपत और गाजियाबाद के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। रक्षा मंत्री बागपत में अग्रवाल मंडी टटीरी के डीएवी कॉलेज में सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों के घर चाय भी पियेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 दिनों में कासगंज से लेकर कानपुर तक मोर्चा संभालेंगे। सीएम योगी आज बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उन्हें जीत का मंत्र देंगे। कल बदायूं और कासगंज का दौरा करेंगे। 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात जाएंगे। 30 जनवरी को आगरा और मैनपुरी में रहेंगे। वहीं 31 जनवरी को मेरठ और हापुड़ में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बीजेपी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर सकती है। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी अब तक अपने 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी यूपी में प्रत्याशियों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें खास तौर पर पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण में 9 जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिलों में वोटिंग होनी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज, मैनपुरी और फिरोजाबाद जिलों को घेरने के लिए बीजेपी ने विशेष तैयारी की है। पार्टी के बड़े नेता इन जिलों में घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इन नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली की सियासत की डोर, देश के सबसे बड़े सूबे में मचा चुनावी शोर। क्या बीजेपी करेगी वापसी या समाजवादियों का रहेगा जोर? बीएसपी की चलेगी माया या कांग्रेस का होगा भोर? यूपी का चुनाव सियासत का सबसे बड़ा दाव, माया प्रियंका, योगी या अखिलेश, कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश? देखिए आज सुबह 10 बजे से दिन भर टीवी 9 भारतवर्ष पर सत्ता सम्मेलन सीधे लखनऊ से। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।